सब्सक्राइब करें वाइन रेसिपी चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत करता हूं मैं आपका वाइन रेसिपी चैनल में। आज दोस्तों हम बनाने वाले हैं ऐसी वाइन। अगर आपने ये वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्ट टू एंड पूरा देख लिया तो कसम से बोलता हूँ लाइफ में आप कभी वाइन नहीं खरीदोगे जो कि आती है 1500 या 2000 तक। ये हम वाइन बनाएंगे सिर्फ 150 रुपये में। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है ये अंगूर, जो ब्लैक वाला अंगूर आता है, ब्लैक ग्रेप। सबसे अच्छी वाइन इसी की होती है, साथ में ये बहुत ही हेल्दी भी होती है। तो हमें करना क्या है देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो अंगूर के दाने हैं उसके डंठल से हमें तोड़ के अलग कर लेना है सिंपली। साथ ही साथ मैंने लिया है यहाँ पे एक बीट, जिसे बोलते हैं चुकंदर, उसे भी हमें क्लीन करके ले लेना है। अब अंगूर को हमें एक बार सैनिटाइज कर देना है। इसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा गुनगुना पानी। इसको डालेंगे अंगूर के अंदर और 2-3 मिनट के बाद हम इसे छान के निकाल लेंगे अच्छे से। साथ ही साथ मैंने चुकंदर को भी ये पानी में डाल दिया है। ये हो चुके हैं हमारे अंगूर एकदम फ्रेश रेडी। यहाँ पे दोस्तों मैं चुकंदर को भी अच्छे से सैनिटाइज कर चुका हूँ, साथ ही साथ इसे मैं छील के ले लेता हूँ। इसके ऊपर जो भी छिलके हैं इसे मैं चुकंदर से अलग कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ग्रेट करने के लिए लिया है ग्रेटर। इससे हम करेंगे अंगूर और चुकंदर को ग्रेट। ज़्यादा फाइन ग्रेट नहीं करेंगे, उतना ही करेंगे जिससे इसका जूस भी निकल जाए, साथ में साथ इसके छोटे छोटे टुकड़े भी आएं। ये हो चुका है हमारा जूस रेडी। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। चुकंदर मैंने सिर्फ कलर के लिए ही डाला था, काफी अच्छा कलर इससे निकल के आता है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। ये रेड वाइन के लिए एकदम परफेक्ट कलर है। यूज किया हमने एकदम फ्रेश अंगूर और चुकंदर। अब हम बनाएंगे अपना सिरप, जो कि हमें अल्कोहल कन्वर्ट करने में काम आएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.5 लीटर तक का पानी और 750 ग्राम तक की शुगर। यहाँ पे पानी जो मैंने लिया है वो थोड़ा सा गर्म लिया है ताकि मेरा शुगर जो है आसानी से इसमें घुल जाए। इसे 1-2 मिनट लगेगा, स्टर करते रहें, ये आसानी से मिक्स हो जाता है। अब भाई हमें ईस्ट को एक्टिवेट करना है, इसके लिए मैंने इसमें से ही थोड़ा सा पानी ले लिया है शुगर वाला। अभी ईस्ट जब भी आप डालते हैं तो इसमें बहुत ध्यान रखने वाली बात है, आप ईस्ट कभी भी ज़्यादा ना डालें। मान लीजिए अगर आपको दही जमानी है 1 किलो तो आप उसमें जो जावन होता है वो डालते हैं 1 चम्मच, लेकिन आपको दही जमानी हो 5 लीटर तो आप 5 चम्मच जावन नहीं डालते। ठीक इसी तरह से ये भी एक बैक्टीरिया है। बहुत ज़्यादा अगर क्वांटिटी में वाइन बना रहे तो ज़्यादा डालने की ज़रूरत है, नहीं तो 1 चम्मच काफ़ी है। इससे ज़्यादा आप डालेंगे तो आपकी वाइन होगी कड़वी। ये जो हमने मिक्सर बना के रखा था इसे मैं अभी जार में डाल देता हूँ। इसके पहले मैं बता दूँ, जार को मैंने अच्छे से गर्म पानी से सैनिटाइज करके ले लिया था। भाई बहुत ही खूबसूरत कलर आ रहा है ये, और बहुत ही अच्छी वाइन बनने वाली है। इसके साथ आप चाहिए तो इसमें मसाले डाल सकते हैं। जो भी मसाले होते हैं मैं आपको सिंपली तरीके से बता देता हूँ। चाय में जो हम मसाले डालते हैं वो सारे के सारे आप मसाले इसमें डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। मुझे वो सब पसंद नहीं है, लौंग इलायची। भाई हम चाय नहीं बना रहे, हम बना रहे वाइन। मार्केट में जो वाइन आती है उसमें लौंग इलायची ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। वो सिंपल हमें ग्रेप का टेस्ट ही चाहिए और हम वही ले रहे हैं। साथ में मैंने 1 लीटर और पानी ऐड किया है, यानी टोटल मैंने इसमें 3 लीटर तक पानी ऐड कर दिया है। अभी आप एक घूल देख सकते हैं, इतना खूबसूरत कलर ये निकल के आया है। फर्मेंटेशन होने के बाद इसका कलर और भी अच्छा निकल के आने वाला है। तो इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से शुगर और ग्रेप के जूस को, फिर हम इसकी चेक करेंगे ग्रेविटी। ग्रेविटी चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि मैं अपने वीडियो में बताते रहता हूँ।
ग्रेविटी से ही आपको पता चलेगा कि इसमें अल्कोहल परसेंटेज कितना बन के रेडी होने वाला है। भाई ये जो अभी ग्रेविटी फाइनल यहाँ पे आ रही है वो आ रही है 1075 के आसपास। 1075 से हमसे कम से कम हमें 14% अल्कोहल तो मिलना ही मिलना है किसी भी हाल में वाइन में। अब ये एक्टिवेट जो हमने करके रखा था अपना ईस्ट, उसको हम डाल देंगे सीधे जार में और जार में लगा देंगे हमारा जो बना हुआ एयरलॉक है वो। अगर एयरलॉक की वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो आप मेरे पीछे वाली वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। ये हो गई भाई अपनी वाइन रेडी। अभी इसे हमें छोड़ देना है कम से कम 20 से 21 दिन के लिए। आप इस जार को कपड़े से लपेट के रख दें। 21 दिन के बाद इसे हम डिकेंट करके 2-3 या 4 दिन या 5 दिन भी डिकेंट करने के लिए रख सकते हैं। उसके बाद ये पीने लायक हो जाती है। अगर किसी व्यूअर को डिकेंट कैसे करना है और फिल्टरेशन कैसे करना है इसकी वीडियो अगर किसी को चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसकी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। वीडियो एंड करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने वाइन रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना ही हमें मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए। और अपने वाइन और रेसिपी के शौकीन दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।